ठीक है, आप आ जाइए, और भी जने मिलने वाले हैं। ठीक है, आप लोग हट जाइए, और भी लोग मिलने वाले हैं, ऐसा कह के भेज दिया अनुष्का और विराट कोहली को। नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा राधे राधे। आज के समय में अनुष्का शर्मा विराट कोहली जैसे पॉपुलर फेमस लोगों को एक मिनट में ही हट जाने के लिए केवल एक संधि कह सकता है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वृंदावन के परमवीत राग ज्ञान और वृंदावन की रसभक्ति की मूर्ति पूज्य श्रीहित प्रेमानंद बाबा जी महाराज जी के शरण में पहुँचे हुए थे, और बाबा उनको पहचानते भी नहीं थे कि वो कौन है। संतों को सिनेमा और क्रिकेट से भला क्या ही प्रयोजन होगा। सेवादार ने जब उनका परिचय महाराज जी से करवाया तो उन्होंने बताया कि ये भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली जी और ये इंडियन टीवी सिनेमा एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा जी हैं। तो उन्होंने प्रसाद रूप माता की चुनरी और माला लाकर विराट कोहली जी को पहनाई और उनकी बेटी को एक छोटा सा माला लाकर अर्पित। अब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और ये फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री हैं, ऐसा आपका परिचय है? तो ये आपसे मिलने आया था, आपका सत्संग सुनते हैं हमारे श्री प्रसादी। देखो, एक कोई छोटी माला श्री की प्रसाद इस बच्चे को पहना दो। हाँ, बच्चा है, बड़ा माला। और तुरंत ही उनको वहां से जाने के लिए कह दिया और तुरंत वो दूसरे भक्तों की सुनने लगे। कम से कम ईश्वर के द्वार में सबके साथ एक समान ही व्यवहार होना ही चाहिए। अगर वहां भी किसी को विशेष और किसी को सम्मान्य होने का बोध होने लगे तो ईश्वर का अपमान है, अनादर है। सबसे अच्छी सबसे प्यारी बात यह रही कि वहाँ पे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी वहाँ पे अपने शीश झुकाकर महाराज जी को प्रणाम करके वहाँ से वो लोग बहुत प्यार से चले गए। वहाँ पे वो लोग ने कोई नौटंकी नहीं की, वीआईपी होने की कोई दिखावा नहीं किया, वो लोग ने अपना शीश झुका के प्रणाम करके महाराज जी को बहुत प्यार बहुत शानदार तरीके से वहाँ पे वो लोग चले गए। ठीक है, आप आ जाइए, और भी जने मिलने वाले हैं। हमेशा ईश्वर के द्वार पर जाते समय इतनी सहजता और इतनी समर्पण हमेशा हर किसी के अंदर होना ही चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा वीआईपी हो, चाहे कितना भी गरीब इंसान हो, कैसा भी इंसान हो, ईश्वर सबके लिए एक सामान्य होता है, एक जैसा होता है। किसी के लिए न बड़ा, किसी के लिए न छोटा, कोई वीआईपी उनके सामने नहीं, सब एक नॉर्मल इंसान जैसे हैं। जैसे विराट कोहली और अनुष्का वहाँ पे आप लोगों को दिख रहे थे कैसे वो लोग थे। वीडियो पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा कितने नॉर्मल लग रहे थे कि कितने नॉर्मल लोग हैं ये लोग, कोई वीआईपी कुछ भी ऐसा कोई भी नहीं है, कितनी सहजता कितने प्यार से वो लोग बैठे हुए थे। विराट कोहली इसीलिए इतने महान प्लेयर माने जाते हैं। लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि सबके साथ अच्छा करिए, किसी का मार के किसी का लूट के मत खाइए, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा, ऊपर वाला सबको देख रहा है। अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो और आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो उसकी सजा हमेशा ऊपर वाला देता है। ऊपर वाला सबके लिए एक है, सबके लिए हर चीज़ सोच कर रखा हुआ है, सबका बाप ऊपर वाला है, ये याद रखिए। वीडियो पसंद आए प्लीज़ एक लाइक करिए, धन्यवाद। राधे राधे, हरे कृष्ण। वो पूरा हट जाता है, वो क्रोध भी नष्ट हो जाएगा। कैसे हट जाएगा? राधा 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 राधा, हटा दे कोई, कैसे हट रहा है? जो हमें पकड़ना वो हटा कैसे सकता है? नाम से बड़ा भगवान को भी नहीं रखा गया सामने। भगवान भी कहों कहां लग नाम बढ़ाई राम न, फिर क्रोध क्या चीज़ है? ये काम क्या चीज़ है? हम लोग बहुत बच्चे जैसे हैं ना, जैसे भेड़िया दूर से दरवाजे तो हम डर जाते हैं। नहीं नहीं, हम कोई और नहीं, भगवान के अंश हैं, हम कोई साधारण नहीं। पहले आप अपने